इंद्री में सब्जी के माध्यम से कहीं पर कोरोना संक्रमण ना फैल जाए, इसको लेकर सब्जी मंडी के आढ़ती एवं ग्राहक दहशत में हैं। हालांकि इस दौरान सब्जी विक्रेता एवं सब्जी मंडी के आढ़ती सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके सिर पर कोरोना का खतरा हमेशा मंडरा रहा है, क्योंकि काफी फल ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात से आते हैं, जबकि महाराष्ट्र गुजरात में इस समय कोरोना संक्रमण सबसे अधिक मात्रा में फैला हुआ है, तो उसका डर भी इन लोगों को सता रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वह सब्जी को घर ले जाकर पहले उसे गर्म पानी व नमक के पानी में उसकी धुलाई करने के बाद ही उस सब्जी को तैयार करते हैं। ऐसा कुछ भ्रम नहीं है, अभी अब ज्यादा ऐसी कोई बीमारी है, लेकिन हर आदमी इसके प्रति जागरूक है, कोई किसी से दिक्कत नहीं समझता, दूर रहते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं होते। बाकी सब्जी के प्रति भी लोग ठीक है, ठीक टाइम पे आते हैं और ठीक टाइम पे अपनी सब्जी लेके अपने घर आराम से चल जाते हैं। यानी कारोबार सब काम संतुलन में है, देखो हम सब्जी का हाथ नहीं लगाते, खरीदार ही खुद ले जाता है या जिम्मेदार लेता है, हम आढ़ती आदमी या कोई माल रहे हैं थोक में जो बेच रहे हैं, हम सब्जी को हाथ नहीं लगाते, वो खुद पाएंगे, खुद ले जाएंगे, खुद तोड़ लेंगे, उन्हें ना उसको उबालना चाहिए, जाके उबाल के साफ सुथरा पानी में वाश करें और उसको फिर बना के खाएं। यानी कि कुछ ना कुछ इधर रखनी चाहिए, हाँ रखनी चाहिए, तभी उसका संतुलन होगा। अब जैसे पैकिंग में जो माल आता है उसको हम कोशिश करते हैं भाई उसको मिसयूज ना हो, उसको गलत कोई चीज़ उसमें प्रयोग ना हो, पैकिंग का जिम्मेदार लेता है, पैकिंग करके लेता है माल। हाँ जी है जी, इस चीज़ की है, कहते हैं लोग भाई कभी इसमें कोरोना हो तो इधर उधर घूम रहा है, तो इसलिए जी बहुत दिक्कत है बेचने में, सब्जी सब्जी बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो लोग कैसे प्रयोग करते हैं इसको? बस जी हम उनको बोलते हैं भाई इसको अच्छी तरह से धो, काट कूट के धो धा के फिर बनाना इसको, तो इतना कोई खास हो नहीं है जिसमें कोरोना के, मतलब दहशत है। हाँ जी दहशत है वैसे पब्लिक में। भाई सुरेश कुमार है जी। अच्छा यहाँ तो बड़ा फर्क है जी, दिल्ली के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ ज़्यादा फर्क है, यहाँ हमारा ऐसा नहीं है, हमारा यहाँ फिर भी लोग थोड़ा समझे इस बात ना, और थोड़ा वहाँ पहले से ही भीड़ ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, यहाँ हमारा इतनी नहीं है, बाकी सब्जी मंडियों में थोड़ा सा भीड़ हो जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए, वो गलत है तरीका। हाँ जी हाँ, नहीं कुछ लोग तो समझे इस बात ना भाई ये बीमारी बहुत खतरनाक है, बाकी कुछ लोग तो समझते ही नहीं भी ये बीमारी है क्या है, लोग बस धक्का ही कर रहे बस एक किस्म का, बाकी तो कुछ लोग तो समझने लग गए भाई ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक है, तो सब्जी खाने में थोड़ा उबाल लेते हैं पानी गर्म का पानी करके, उसमें थोड़ा नमक घेर के उबालते हैं सब्जी, रेख काफ़ी तो ऐसा नहीं करते होंगे, बाकी हम तो करते हैं भाई गर्म पानी करके थोड़ा नमक डाल के उसके बाद सब्जियों को काटा जाए वो यूज करते हैं, बाकी चलो क्या पता क्या अगले लोग और कौन कैसे करते होंगे, हम तो ऐसे कर रहे हैं आजकल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.